और अब बात रियलिटी चेक की। रियलिटी चेक उस दावे की जिसमें यह कहा गया था कि तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें जन सुनवाई करनी है, समय पर अपने दफ्तर पहुंचना है और एक से डेढ़ घंटा जन सुनवाई के लिए देना है। गोरखपुर में जब जी मीडिया की टीम जन सुनवाई का जायजा लेने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। सुबह 9:40 तक जिला अधिकारी अपने कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान अधीनस्थ अधिकारी जन सुनवाई कर रहे थे। कुछ यही हाल एसएसपी कार्यालय का भी दिखाई दिया। हम लोग लगभग 10 बजे के लगभग में पहुंचे हैं और डीएम साहब के पीआरओ महोदय मौजूद थे। खजनी में सड़क के दोनों तरफ जो है नाली की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है और जल निकासी न होने की वजह से गंभीर बीमारियां वहां पैदा हो जा रही हैं। अभी आप आज कहां पे आई हुई हैं, किससे मुलाकात हुई? आज हम एसएसपी यहां आए हैं। मुलाकात हुई है? हाँ, छोटे साहब से मुलाकात हुई है और वो भेजे हैं महिला थाना पे कि आपकी कार्रवाई होगी। डीएम कार्यालय पे मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बैठक में प्रदेश के सारे डीएम और कप्तान को आदेश दिए थे कि 9 से 10 बजे तक वो जनता के बीच में बैठेंगे और जनता की जो में जो दिक्कतें हैं, जनता की जो दिक्कतें हैं उनको सुनेंगे। आज इसकी रियलिटी चेक हम लोगों ने तीसरे दिन की और देखा, चूंकि आज जो है थाना दिवस होने की वजह से एसएसपी और डीएम का अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी वहां मौजूद हैं और जहां पे जनता दर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी, जी मीडिया। वहीं सीतापुर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा। बुधवार को सीएम योगी ने जनसुनवाई के आदेश दिए थे, लेकिन आज तीसरे दिन भी डीएम अखिलेश तिवारी सुबह 9:15 तक ऑफिस नहीं पहुंचे। एसपी एलआर कुमार भी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। सुबह 9:20 तक एसपी ऑफिस में कोई भी मौजूद दिखाई नहीं दिया। हम मौजूद हैं एसपी कार्यालय पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है कि टेलीफोन ड्यूटी पर भी कोई मौजूद नहीं है। घड़ी में भी 9:15 से ऊपर समय हो गया है, एसपी एलआर कुमार नहीं आए हैं, लेकिन आज शनिवार का दिन है, हो सकता है वो थाना दिवस में गए हों। इधर आपको दिखाना चाहेंगे, 9:20 है, उनका सबॉर्डिनेट ऑफिसर भी यहाँ पर कोई नहीं बैठा है जो कि जनता की जन सुनवाई करे। अब आपको ले चलते हैं एडिशनल एसपी साउथ की तरफ। वहाँ अभी 9:20 होने के बाद भी एडिशनल एसपी साउथ भी नहीं आए हैं। सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिल रही है कि टेलीफोन ड्यूटी भी नदारद है। यदि कोई फरियादी आता है तो कौन सुनेगा, कौन उनकी फरियाद को सुनेगा? दिखाते हैं कि महेंद्र कुमार सिंह चौहान, 9:20 हो गया है, महेंद्र कुमार सिंह चौहान भी अभी तक अपने कार्यालय में नहीं आए हैं। ये कार्यालय वाचक अधीक्षक है, दिखाना चाहेंगे, अभी ताला लगा हुआ है। सीएम आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके आदेश पर सीतापुर पुलिस अमल करने का काम नहीं कर रही है। शुक्रवार को जहां एसएसपी कलानिधि नेथानी सुबह 9 बजे लोगों की शिकायतें सुनते नजर आए, वहीं आज सुबह 9:26 तक एसएसपी कलानिधि नेथानी ऑफिस नहीं पहुंचे। इस दौरान कई अधिकारी जरूर कार्यालय में बैठे हुए थे, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हम एसएसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि फरियादी भी बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एसएसपी साहब अपने कार्यालय में मौजूद है या उनके जगह कोई दूसरा ऑफिसर यहां पर मौजूद है। हम पीआरओ साहब से जानने की कोशिश करते हैं, यहां पर पीआरओ साहब बैठे हुए हैं, क्या एसएसपी साहब पहुंचे हुए? आप अंदर सीओ डी ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं, डी ऑफिसर हैं, सीओ केसर सर बैठे हुए हैं, सर आप अंदर बात कर लें। अच्छा, एसएसपी साहब हैं कि नहीं, अंदर बात कर लें, सर से बात कर लें, ठीक है। पीआरओ साहब बता रहे हैं कि अंदर सीओ साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और अभी आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे, यहीं पे यही एसएसपी साहब का ऑफिस है, कलानिधि नेथानी जी का ऑफिस है और हम उसके अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी एसएसपी साहब नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ सीओ साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक एसएसपी साहब आएंगे और अगर नहीं आते तो क्या आप देखेंगे जो लोग यहाँ फरियादी यहाँ पे मौजूद है उनकी फरियाद आप सुनेंगे, क्या एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे? बाइट देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। नहीं नहीं, बस जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एसएसपी साहब पहुँचे कि नहीं। मैं यहाँ सुनने के लिए बैठा हूँ और इस संबंध में आप सीनियर अफसरों से बात करें, मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं। जो सीओ साहब है वो बोल रहे हैं कि मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ,
संबंधित अधिकारी से आप बात करें। फिलहाल आपको दिखा दें कि हम एसएसपी ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर एसएसपी साहब नहीं पहुँचे हैं। जो उनके पीआरओ कह रहे हैं कि वो अंदर सीओ साहब हैं, वो बता सकते हैं कि एसएसपी कब तक पहुँचेंगे, लेकिन सीओ साहब भी बोल रहे हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूँ बाइट देने के लिए। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे फरियादी थे, फिलहाल वो फरियादी जो बैठे हुए थे वो बाहर चले गए और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम बताने की कोशिश करें, आज तीसरा दिन है योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कि सभी अधिकारी को अपने समय से एक घंटा निकाल करके अपने ऑफिस में बैठना था और जो भी फरियादी अगर उनके ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी फरियाद सुननी थी, संवाद करना था, अगर उसको कोई परेशानी है तो उस परेशानी का निपटारा करना था। पहले देखा जाता है कि अधिकारी समय नहीं दिया करते थे और कानून व्यवस्था को लेकर के काफ़ी योगी आदित्यनाथ चिंतित थे, उसको लेकर के उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी जितने भी अधिकारी थे उनको कहा था कि वो सुबह का एक घंटा निकाल करके अपने ऑफिस में बैठे और जितने भी फरियादी आते हैं उनकी फरियाद सुने। कैमरामैन देशराज के साथ लोमस जी मीडिया, लखनऊ।